नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत द्वितीय वर्ष में रीतिकालीन काव्य जो पुस्तक है और तृतीय वर्ष में आधुनिक काव्य जो पुस्तक है उसमें प्रथम जो प्रश्न पत्र है दोनों ही उसमें हम रसों का विवेचन कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और परीक्षा में जो प्रश्न आता है आपका, सभी रसों के लक्षण व उदाहरण प्रस्तुत कीजिए या फिर किसी एक दो रसों का जो है पूछ करके उसके लक्षण और उदाहरण है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम पांच तक हम पिछले वीडियो में विगत वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भयानक रस। प्यारे विद्यार्थियों, नाम से ही पता चलता है भयानक रस जो भय को पैदा करता है। लक्षण देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव प्यारे विद्यार्थियों भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भयानक भय भय होता है। स्थायी भाव क्या होता है? भय, जो कि सभी सहृदय प्राणियों में विद्यमान रहता है। उनके चित्त में जो है जैसी परिस्थिति होता है उसके अनुसार वो फिर बाहर है वो प्रकट हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। भय यानी डर। भय का मतलब क्या होता है? डर। जैसे सिंह, सर्प, बाघ या चीता इत्यादि जो हिंसक भयंकर जीव एवं भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देख करके अथवा प्राणों के विनाशक बलवान शत्रु को देख करके उसका वर्णन सुन करके भय स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यानी शेर को देख लिया, सर्प को देख लिया, बाघ इत्यादि जो हिंसक पशु है, भयंकर जो जीव है, इन भयंकर जीवों को, भयंकर प्राकृतिक कोई दृश्य है, अचानक से बाढ़ आ गई, भूस्खलन हो गया, ये ऐसी भयानक जो आपदा प्राकृतिक दृश्य इनको देखा जाएगा, या फिर प्राणों का विनाश जो आपके प्राणों का हरण कर लेगा, ऐसा विनाशक कोई बलवान शत्रु है, शक्तिशाली शत्रु है, उस दुश्मन को देख करके या उसका वर्णन सुन करके भय नामक स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है, भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों, शेर, चीता आदि भयानक जानवर, बलवान शत्रु, ये क्या है इस रस में? शेर, चीता, भयानक जानवर, बलवान शत्रु, ये क्या है? उद्दीपन विभाव है। ये विभाव माने कारण। विभाव का क्या मतलब होता है? कारण। ये जो स्थायी भाव के बढ़ाने वाले कारण होते हैं। स्वेद यानी पसीना निकलना, वेपत्तु कंपन होना, प्रलय हो जाना, स्वर भंग, ये जो सात्विक अनुभव है। तो इस प्रकार से ये स्वेद है, वेपत्तु है, प्रलय है, स्वर भंग है, ये आदि ये क्या चीज़ें हैं इस रस में? भयानक रस में क्या है? ये अनुभव। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या कहलाती है? अनुभव। ठीक है। और त्रास, भय, चिंता, आवेग, व्याधि जो है, त्रास, चिंता, आवेग, व्याधि, ये सब क्या है? संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस भयानक रस में जो स्थायी भाव उसका भय होता है। शेर, बाघ इत्यादि ये चीज़ें इनको सुन करके, बलवान शत्रु का देख करके या उनका वर्णन सुन करके भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। शेर, चीता आदि ये जो भयानक जानवर है, शत्रु, ये उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। पसीना निकलना, स्वेद यानी पसीना निकलना, वेपत्तु, परले, स्वर भंग, ये अनुभव कहलाते हैं। और इस रस में त्रास, चिंता, आवेग, व्याधि, ये संचारी भाव होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लक्षण है भयानक रस का। एक उदाहरण देखिए इसमें कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच हवे, पड़ो मूर्छना खाए। तो इसमें कोई राहगीर है जो बीच जंगल से, भयानक जंगल से जा रहा है। विकल माने व्याकुल, बटोई का अर्थ होता है राहगीर। तो बीच में पड़ा है या है, पड़े वो मूर्छना का यानी बेहोश होकर के गिर जाता है, मूर्छा खा करके पड़े मन पड़ जाता है, गिर जाता है। ठीक है। एक और मृग राय, अजगर, एक तरफ तो अजगर देखता है, लकी का अर्थ क्या होता है? देखना। और दूसरी तरफ मृग राय कहते हैं सिंह को, शेर को। एक और कोई बटोई है, उस बटोई को एक और तो क्या दिखाई दे रहा है? अजगर आता हुआ। दूसरी ओर उसको क्या दिखाई दे रहा है? शेर। अब दोनों स्थितियों में उसकी
मौत तय है, मृत्यु समीप है, तो दोनों ही बीच की स्थितियों को देख करके वह सोचता है। वह जो राहगीर है वो मूर्छा खा करके गिर जाता है। दोनों ही स्थितियों को देखकर उसमें स्थायी भाव भय पैदा हो जाता है और फिर वो कहते हैं मूर्छा खा करके गिर गया। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में प्यारे विद्यार्थियों, रस कौन सा है? भयानक रस। रस कौन सा है? भयानक रस। स्थायी भाव क्या है? भय। स्थायी भाव क्या होता है? भय। आश्रय क्या है? आश्रय जिसके मन में ये स्थायी भाव जागृत होते हैं, जिसके मन में वो आश्रय होता है, तो बटो या राहगीर ये क्या हो गया? आश्रय। ठीक है। और विषय आलंबन क्या है? जिसके जिसको देख करके जिसके मन में होता है वो तो हो गया आश्रय, और जिसको देख करके होता है वो होता है विषय। विषय में हो गया अजगर या मृगराज। ये क्या हो गए? ये शेर और ये अजगर क्या हो गए? विषय। ठीक है, विषय आलंबन हो गए। उद्दीपन विभाव क्या है? एकांत स्थान है, ये जंगल का भीड़ एकदम सुनसान, कोई नहीं है, यहाँ पर सन्नाटा है चारों तरफ, तो इस प्रकार का सुना वातावरण है, एकांत रास्ता, सुनसान जंगल है, ये उद्दीपन विभाव है। ये जो है भय को और ज़्यादा जो है पैदा करता है। जैसे आप प्यारे विद्यार्थियों, आजकल जो फिल्में चलती हैं, हॉरर फिल्में, डरावनी जो फिल्में आती है, तो उसमें किस प्रकार से भय का वातावरण बैकग्राउंड जो देना होता है, तो पत्ते ऐसे जोर जोर से, हवा तेज गति से चल रही है, आंधी सी आ रही है, और बीच बीच में बिल्लियां बोल रही है, चमगादड़ उड़ रहे हैं, उल्लू बोल रहे हैं, रात का सन्नाटा सा और भयंकर हवा चल रही है, तो इस प्रकार का जो बैकग्राउंड है, जो दिखाया जाता है, वो क्या है? उद्दीपन विभाव है, वो भय को और अधिक उद्दीप्त करता है, वो कारण है। ठीक है। अनुभव में प्यारे विद्यार्थियों, प्रलय और व्याकुलता। प्रलय ये जो भाव है, वे पत्तु, ये इस प्रकार का भाव है, वो अनुभव में आ जाएगा। संचारी भाव में प्यारे विद्यार्थियों, त्रास है, त्रास मन डर, जड़ता है, चिंता है, व्याधि है, ये संचारी भाव या व्यभिचारी जो 33 हैं संचारी भाव, उनमें ये त्रास, जड़ता, चिंता, व्याधि और इस उदाहरण के अंदर ये आते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये उदाहरण समझ में आ गया होगा भयानक रस का। अब चलिए अगला जो रस है प्यारे विद्यार्थियों, वह है विभत्स रस। परीक्षा में आपको एक ये लक्षण याद करने पूरे और एक उदाहरण तैयार करना है, और उदाहरण को इस प्रकार से लिख करके ऐसे आपको रस, स्थायी भाव, आश्रय, ये सब चीज़ें लिखनी है, तब जाकर के आपका उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है। विभत्स रस देखिए, विभत्स रस के लक्षण प्यारे विद्यार्थियों देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। घृणा करते हैं, किसी से नाक सिकोड़ते हैं, छींची हाय हाय ऐसे बोलते हैं, थू थू करते हैं, तो ये जुगुप्सा का कारण होता है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, या जुगुप्सा हमारे मन में होती है, स्थायी भाव जुगुप्सा है, और जब ये बाहर रस रूप में परिणित होती है तब क्या हो जाता है? विभत्स रस। जैसे दुर्गंधयुक्त वस्तुएं देख ली, दुर्गंध आ रही है उसमें, उसको देख करके आप नाक सिकोड़ोगे, चर्बी, रुधिर, खून से कोई जो वस्तु आपने कोई प्राणी देख लिया, जीव जानवर देख लिया, या कोई मनुष्य देख लिया मरा हुआ, इस प्रकार से उद्भवन यानी उल्टी होना, जी मचलाना, ये चीज़ें आदि को देख करके मन में क्या हो जाती है? घृणा हो जाती है। उनको देख करके आपके मन में घृणा हो जाएगी। तो ऐसा जो घृणास्पद व्यक्ति है, जिसे आप घृणा करते हो, ऐसे कोई घृणास्पद वस्तु है, दुर्गंध, मांस आदि, आलंबन विभाव कहलाते हैं। ये जो क्या है? आलंबन विभाव कहलाते हैं। सड़ी गली लाशें, जानवरों के द्वारा सहों को नोचना, ये सड़ी गली लाशें पड़ी है, युद्ध का चित्र है, ये अमरगढ़ का स्थान है, वहाँ पर सड़ी गली लाशें पड़ी है, और जानवरों के द्वारा उन सहों को नोचा जा रहा है, खा रहे हैं, इस प्रकार से खून, मांस, ये जो देख करके आप जो है उद्दीपन विभाव ये माने जाते हैं। ये क्या है? जानवरों के द्वारा सहों को नोचना, ये क्या है? उद्दीपन विभाव। और प्यारे विद्यार्थियों, नाक मुंह भौंस सिकोड़ना, इनको देख करके आप नाक मुंह सिकोड़ेंगे, मुख को ढक लेना, ठीक है, थू थू करना, ये क्या कहलाएंगे? उद्दीप अनुभव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये अनुभव है। और व्याधि, आवेग, आवेग मन शीघ्रता, चिंता, अपसमार यानी मिर्गी आदि, ये संचारी भाव होते हैं। विभत्स रस के स्थायी भाव संचारी भाव क्या है? विभत्स रस के संचारी भाव है व्याधि, आवेग, चिंता, अपसमार, मिर्गी, ये संचारी भाव है इसमें। और ऐसे जो नाक मुँह सिकोड़ना है, या मुख को ढक लेना, थू थू करना, ये क्या? अनुभव कहलाते हैं। जानवरों द्वारा सहों को नोचना, ये उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। और दुर्गंध युक्त मांस है, या घृणास्पद व्यक्ति वस्तु है, ये सब कहलाते हैं आलंबन विभाव। तो प्यारे विद्यार्थी, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर
ये यहाँ तक कि आपको परीक्षा में यहाँ तक ऐसे ये तो गए लक्षण इसके, ये उदाहरण में है, ये चीज़ें हैं अनुभव ही इसके उदाहरण में है इसका बताया हुआ। देखिए अब आगे एक उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग आँख दों खात निकारत, खींचत जिबही स्यार अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वानन अंगुरिन काट काट के खात विदारत, बहुचील नोचिले जात तुच्च मोद बयो सबको हियो, मनु ब्रह्म भोज जिजमान कोट आज भिकारिन को दियो। तो इस पद में विभत्स रस का जो है ये पद है, इस पर कोई मरा हुआ कोई प्राणी है, कोई जानवर है या मनुष्य है, उसको सिर पर उस पर काग बैठा हुआ है, उसके सिर को नोच रहा है, खा रहा है। सिर पर बैठे हो काग आँख दो खात निकारत है, उसके सिर पर काग कौवा बैठा हुआ है और कौवे उसके आँखों को नोच नोच करके आँख दो खात निकाल रहे हैं, आँखें दोनों खा करके बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा दृश्य दिखाया जा रहा है। खींचत जीव भई स्यार अति आनंद उर्धारत है, और उस प्राणी को जो है स्यार है गिदड़ है, स्यार मने गिदड़ जो है उसकी जीभ है, उसको खींच खींच करके निकाल रहे हैं, और अति आनंद उर्धारत मने उसके अपने हृदय में बड़ा आनंदित होता है, वह जो गिदड़ है वो इस प्रकार से उस मरे हुए जीव को या मनुष्य को खा करके अत्यधिक आनंद को प्राप्त कर रहा है, वो उसकी जीभ को खींच रहा है। गिद्ध जांग खोद खोद के मांस उपारत, और गिद्ध है वह उस व्यक्ति के उस प्राणी के जांग को खोद खोद करके मांस उसका उपारत मने उखाड़ रहा है, खा रहा है, निकाल रहा है, ठीक है। तो उपारत मने उखाड़ रहा है, निकाल रहा है, तो गिद्ध है वो जांग को खा रहा है। स्वानन अंगुरिन काट काट के खात विदारत, और जो कुत्ते हैं स्वानन कहते हैं कुत्तों को, तो कुत्ते हैं उसके अंगुलियों को काट काट करके काट काट करके खा रहे हैं, निकाल रहे हैं। इस प्रकार से ऐसा जो भाव आप पढ़ते हैं तो भी आपके मन में ऐसे घृणा का सा भाव आ जाएगा। बहु चील नो चिले जात तुच्छ मोद भयो सब कोई, चील है वो उसके शरीर को है वो खा खा करके नोच नोच करके मोद भयो सब यो, और अपने मन में हृदय से बड़ा मोद वो होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ठीक है। वह चील है वो बड़ी प्रसन्न हो रही है उसके शरीर को खा खा करके, मनु मन मानो ब्रह्म बोज जिजमान कोठ आज भिकारिन को दे, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा सेठ जो है, जिजमान सेठ है, वो भिकारिन को जो है आज खाने का न्योता है वो दिया है, या भोजन पर बुलाया है, ब्रह्म भोज दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है वो विभत्स रस का है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रस में यहाँ पर है विभत्स रस, ठीक है। स्थायी भाव है जुगुप्सा, स्थायी भाव कौन सा है जुगुप्सा, पहले स्थायी भाव जागृत होता है, स्थायी भाव से फिर रस की परिणति होती है, ठीक है। पहले रस स्थायी भाव जागृत होगा जुगुप्सा, जुगुप्सा से विभत्स रस, फिर आश्रय, आश्रय कौन है जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई है, किसके मन में, हम दर्शक देख रहे हैं कोई इस चीज़ को अगर दृश्य में दिखाया जाए तो दर्शक हो गए, या इस ये चीज़ को पढ़ेंगे हम तो फिर पाठक हो गए, तो पाठकों के मन में दर्शकों के मन में जो है इस प्रकार का घृणा का भाव जुगुप्सा का भाव पैदा होगा, तो वो हो गए आश्रय। जिसके मन में ये भाव जागृत होगा वो होगा दर्शक या पाठक है इसमें। फिर विषय आलम्बन, जिसको देख करके, यहाँ पर किसको देखोगे, कौन कर रहा है ऐसे चीज़ें, कौवा खा रहा है, आंखें निकाल रहा है, सियार खा रहा है, गिद्ध नोच रहा है, कुत्ते अंगुलियाँ खा रहे हैं, तो इस प्रकार का ये हो गए विषय आलम्बन, यानी जिसको देख करके, तो ये विषय आलम्बन हो गए। उद्दीपन विभाव में प्यारे विद्यार्थियों, शमशान घाट है या कोई युद्ध भूमि का दृश्य है जहाँ वह सबों को नोचने की क्रिया वहाँ पर की जा रही है, वो उद्दीपन विभाव है, ठीक है। युद्ध भूमि का दृश्य दिखाया जा रहा है तो उद्दीप्त करता है ऐसी चीज़ों को, यानी इस भाव को, इस रस को, विभत्स रस को। अनुभव में देखिए, नो नाक मुँह सिकोड़ देना, जी मिचलाना, थू थू करना, ये जो भाव है प्यारे विद्यार्थियों, ये नाक मुँह सिकोड़ते हैं, छी छी जी मिचलाता है, उल्टी होने का ऐसा होता है, या थू थू करते हैं या मुँह को ढक लेते हैं, तो इस प्रकार का ये हो गया अनुभव। फिर संचारी भाव में प्यारे विद्यार्थियों, आवेग ग्लानी चिंता, ये क्या है, संचारी भाव है। 33 जो संचारी भाव, उनमें आवेग ग्लानी चिंता, ये इसका संचारी भाव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो विभत्स रस के लक्षण और इसके उदाहरण है वो आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, एक पक्का आप याद करके वो इसी प्रकार क्रम से आप परीक्षा में लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो दोनों रस है वो आपको समझ में आ गए होंगे।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे, जो है 8, 9, 10 इस क्रम से जो भी है रस आगे के, उन रसों को हम लेंगे। शांत रस है, चाहे वो आगे आपके भक्ति रस है, उन रसों को हम, वात्सल्य रस है, इनको भी हम लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे इन रसों के विवेचन को लेकर के। तब तक के लिए आज जो है आप भयानक रस और विभत्स रस के लक्षण और उदाहरण को आत्मसात करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, इनको याद करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।